नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन। इस लॉकडाउन में अगर सबसे ज़्यादा किसी को परेशानी हो रही है तो वो हैं दिहाड़ी मजदूर या फिर दैनिक मजदूर, जो दिन में काम करके अपना दो वक्त की रोटी रोजी जुटाते थे और इसके तहत सरकार ने उनको मनरेगा के तहत काम देने का फैसला किया और बिहार में काम दिया जा रहा है। लेकिन जो खबर है वो गया की है, जहाँ पर मनरेगा में भारी धांधली की खबर सामने आ रही है, फर्जीवाड़े की खबर सामने आ रही है। दरअसल हम आपको बता दें कि गया जिले के डुमरिया प्रखंड के मोहड़ी पंचायत में मनरेगा के तहत किए जा रहे काम में फर्जीवाड़े की खबर सामने आ रही है। इस फर्जीवाड़े को लेकर ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया है कि मनरेगा के तहत कई योजनाएं चल रही थीं और इन योजनाओं में अभी काम हुआ भी नहीं कि 50% की राशि जो है वो पीओ की संलिप्तता से निकाल ली गई है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि योजना में दी जाने वाली राशि का भुगतान पेपर पर तो कर दिया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है। इसे लेकर ग्रामीणों ने वीडियो, इसके अलावा डीडीसी को जांच के लिए आवेदन पत्र सौंपा है। इसके साथ साथ स्थानीय विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से भी जांच के लिए मांग की है, उन्हें भी एक आवेदन पत्र सौंपा गया है। आपको उन ग्रामीणों की ही जुबानी सुनाते हैं कि आखिर किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। कोदोनी आहरा का एक मामला आया है, जो कि निकासी कर ली गई है और काम जीरो हुआ है, और उसी तरह से उसी पंचायत में रेड़िया आहरा है, उसका भी वही मामला है। जी सर, इसका भी पैसा निकाल लिया गया है, डाउन कर दिया गया है। हम लोग तो पूर्ण जाने के पूर्ण जाँच हो, सजाए हो, जो गलती किया है हम लोग लिख के दे दिए हैं डीएम के यहाँ और डीडीसी के यहाँ आपने आवेदन दिया है। तकरीबन 4 दिन के अंदर दिया है सर, जब जनवरी से पैसा निकल रहा है, उनको पता नहीं था। कितना राशि का ये? ये राशि लगभग 2,40,000 का सच था, निकासी हुआ था। और कार्ज कितना है? कार्ज जैसे मतलब कुछ हो नहीं किया है, उसमें 2 किस्त निकाला गया, 3 किस्त निकाला गया, तो नेट पर पता लगेगा। हाँ, विभागीय जाँच हम लोग लिख के दे दिए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि जो ऐसा किया है गलती, उसको सजाया हो, अच्छी तरह से इसका निराकरण निकले। बार बार ऐसी होते रहेगा तो हम लोग जनता कैसे जिएंगे? बालिक स्कूल के बच्चे को जो कार्ड बनवा करके पैसा सब निकलवा रहा है, हम लोग गरीब आदमी मर रहे हैं। क्या स्कूल का बच्चा का जॉब कार्ड बना के, मतलब कम एज का बच्चा? हाँ, कम एज का, 13 साल का, 12 साल का नाबालिग बच्चे का जॉब कार्ड बना दिया जा रहा है। हाँ, और पैसा निकाल दिया, फर्जीवाड़े के तहत उससे पैसा निकाल दिया जा रहा है, कार्ज भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा का बरवाड़ी गांव है, इस आहार पर जो है से मनरेगा के संबंधित जो है से जांच के लिए हम लोग जो है से आवेदन दिए हुए थे। यहाँ मनरेगा के नाम से सब फंड निकाल दिया गया है और काम कुछ भी नहीं हुआ है। इसी के मतलब ओथी में मतलब हम लोग जो है से मतलब कि दिया है, इसका जो है से मतलब एप्लीकेशन दिए थे वीडियो के पास, सीओ के पास, या जिला में भी दिए हुए हैं। इसका जो सीओ के पास नहीं दिए हैं, लेकिन मतलब वीडियो के पास दिए हैं, पीओ के पास दिए हैं, उधर मतलब जिला में डीडीसी हो गए हैं, या मतलब कि डीएम के पास मतलब कि फैक्स किए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो कार्य हुआ है, जो कार्य नहीं हुआ है, पैसा मनरेगा के अधीन पैसा निकासी हो गया है, इसमें किसकी संलिप्तता है, किसकी जो इतनी बड़ी घपलेबाजी की गई है? इसमें तो जो यहाँ इसका जो मतलब ठेकेदार पीओ है, पीटीए है, पीआरएस है, हम लोग तो उन्हीं लोग के जानते हैं। एक अलावा बिचौलिया बहुत लोग हैं, अब बिचौलिया लोग क्या किए हैं उन लोग मिल करके, तब तो इनका जो है से विभागीय जांच होना चाहिए, तब सारा चीज़ आएगा। कहाँ कहाँ आपने आवेदन दिया है इसकी जांच के लिए? कि वीडियो के भी पास भी दिए हैं, डीडीसी की यहाँ पास भी भेजा है, डीएम की यहाँ भी दिए हैं। अपना परिचय बताएं। हाँ, मेरा नाम हुआ राम परवे सिंह, ग्राम बरवाड़ी, पोस्ट डुमरिया, जिला गया, बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा गाँव का ही कार्य है, इस कार्य में जो है से मतलब कि हम लोग पूरा ग्रामवासी मिल करके देखा कि कोई काम नहीं हुआ है, तो हम लोग ने इस काम पर जो है से उचित कार्रवाई के लिए जो है से आवेदन लगाया। अब क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि इसको सजा हो,
मतलब कि जो दोषी है उसको सजा हो। मनरेगा के तहत काम नहीं हुआ है, फर्जी पैसा निकाल लिया गया। अभी तक मौरी में सफी आहार, सिमरैया आहार, ये सब पर पैसा पहले निकासी हो गया है, और झगरवा आहार ग्राम मौरी में बर से लेके पैन यहाँ है ही नहीं, और पैन का नाम गलत ढंग से देके पैसा निकासी कर लिया गया। इस तरह से मौरी में और योजना है जो काम हुआ ही नहीं और पैसा निकासी हो गया। हम लोग चाहते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। कई योजना है मौरी पंचायत में जिसमें कार्य हुआ। मौरी पंचायत में 42 योजना है जो कार्य तो एक पर भी नहीं हुआ, सब पर फर्जी पैसा निकाला गया। कुछ योजना पर हम जब कंप्लेन किए तब फॉरेस्ट विभाग में भी बहुत सारे योजना हुआ है, और कुछ योजना पर हम लोग जब कंप्लेन किए तो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाया गया, ऐसी घास छिलकर रफू किया गया। आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग चाहते हैं कि इसका उचित कार्रवाई हो, पैसा जो निकासी हुआ है वो रिकवरी हो। तो आपने सुना कि किस तरीके से ग्रामीणों ने बताया कि मनरेगा के तहत जो राशि है वो पहले ही निकाल ली जा रही है और काम हो ही नहीं रहा है, जमीनी स्तर पर वो काम दिख नहीं रहा है। इस दौरान आपको पूर्व मुखिया तेज बहादुर सिंह भी क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। सर, आप पूर्व मुखिया भी हैं और ग्राम महोड़ी आपका घर से पैन का लेकर निर्माण की योजना दी गई है, और यहाँ पर आपका घर के पास निर्माण हुआ है? नहीं। तब आपने कहीं आवेदन वेदन दिए? दिए थे पीओ के। तो फिर कार्रवाई वरवाई कुछ हुआ? बोली कार्रवाई करेंगे लेकिन किए नहीं, आश्वासन दे के रह गए। आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई होना। सर, आप पूर्व मुखिया भी हैं और ग्राम महोड़ी आपका घर से पैन का लेकर निर्माण की योजना दी गई है, और यहाँ पर आपका घर के पास निर्माण हुआ है? नहीं। तब आपने कहीं आवेदन वेदन दिए? दिए थे पीओ के। तो फिर कार्रवाई वरवाई कुछ हुआ? बोली कार्रवाई करेंगे लेकिन किए नहीं, आश्वासन दे के रह गए। तो आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई होना। अधिकार मिला है ना? जो स्वरोजगार हम लोग को मिला भी नहीं है, और हम लोग पहले जाओ कार्ड बनवाओ तो उसको रद्द भी कर दिए है, और दूसरा जो कार्ड बना कर और दूसरा गांव से अपना अथी कर लिया है, और काम उम नहीं हुआ है, और गांव के पते नहीं चला। और आपका पंचायत कौन सा है? मौरी पंचायत है। और आपका मौरी पंचायत में रेड़िया हरा है, बदनिया हरा है। हाँ, उस पर मट्टी नहीं दिया है। और पैसा का निकासी? हाँ, पैसा निकल गया है, सुनते हैं कि निकल गया है, काम हुआ है कि ना। तो आपने सुना कि पूर्व मुखिया किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, और इसको लेकर ग्रामीणों ने इसकी जांच की मांग की है। वीडियो के पास जो है वो एक आवेदन दिया है, जांच की मांग की है। इस दौरान जो वीडियो हैं वो क्या कुछ कह रही हैं, जरा वो भी सुनिए। मैं मौरी पंचायत के अंतर्गत, मनरेगा के अंतर्गत बहुत ऐसे कार्य योजनाएं हैं जिसमें कार्य हुआ ही नहीं और उसके पैसा 50% निकासी की गई है, इस तरह का मामला आया है और कोर्ट में भी कहा चली है। मनरेगा से जो कार्य करवाया जा रहा था पंचायत मौरी पंचायत में, वो मेरे भी संज्ञान में आया है, और उसमें जांच भी पीओ के द्वारा किया गया है। पीओ अपना जांच प्रतिवेदन रूपिका संयुक्त महोदय को सौंप चुके हैं, उनके द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। तो आपने सुना कि प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या कुछ कह रही हैं, उनका सीधे तौर पे कहना है कि इस तरीके का मामला सामने आया है और जांच की जा रही है कि क्या सच्चाई है, और जांच के उपरांत कार्रवाई भी की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको अगर ये खबर अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका प्यार और समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिए। नमस्कार।